हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में जो बनने वाली है 19 सितंबर से। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनसे आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो आइए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और पूछे गए प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न जी। पहला सवाल आपके पास आ गया है, वर्ष में किस दिन को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में आप इनमें से किस डे को मनाते हैं? 16 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर और 18 सितंबर। तो सही जवाब की बात करें तो 18 सितंबर आपका यहां पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड बैम्बू डे मनाते हैं। विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे सर जी कि भारत के किस राज्य में बांस का उत्पादन अच्छा होता है? तो भारत में असम स्टेट में बांस का उत्पादन बहुत अच्छा किया जाता है। हमारे यहाँ पर बैम्बू ग्रास सम्मेलन भी होता है, तो हमारे यहाँ बैम्बू ग्रास सम्मेलन गुवाहाटी और कश्मीर में अभी तक आयोजित हो चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर दो हमारा हो जाएगा, सूर्य किरण किस देश के साथ भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो सूर्य किरण किस देश के साथ भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? श्रीलंका का, नेपाल का, मालदीव का या फिर बांग्लादेश का? तो सही जवाब की बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल का। यहां पर लिखा हुआ है इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अगर पूछते हैं यह कौन सा संस्करण है तो आप बता सकते हैं यह 15वां संस्करण है। अब आइए बात कर लेते हैं, तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य का 15वां संस्करण है जो कि 20 सितंबर 2021 से आयोजित किया जाएगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी काठमांडू होता है। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं खड़ग प्रसाद ओली। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में कौन सा विवाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में कौन सा विवाद स्टार्ट हुआ है। चलिए सवाल नंबर तीन की बात कर लेते हैं, तो नीति आयोग ने बच्चों के लिए तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए करार किया है, किसके साथ किया है आपको बताना है। नीति आयोग ने बच्चों के लिए तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए करार किया है, गूगल इंडिया, फेसबुक इंडिया, बायजू या अमेजन? तो ये इन्होंने किया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायजू के साथ में। ये रहा आपका बायजू, यहां पर नीति आयोग के साथ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब आइए जानकारी ले लेते हैं। तो सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को बायजू के उच्च गुणवत्ता और तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रम तक मुफ्त पहुंच प्रदान के लिए एडटेक प्रमुख बायजू के साथ भागीदारी की है। अब बात करें बायजू की, तो बायजू एक भारतीय बहुराष्ट्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी कंपनी है। मुख्यालय इसका बेंगलोर में पड़ता है। स्थापना इसकी 2011 में हुई। संस्थापक बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ है। याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को ही अध्यक्ष हमारे माननीय मोदी जी चलते हैं। चलिए सवाल नंबर चार की तरफ बढ़ लेते हैं। तो सवाल नंबर चार हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपना जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? आपदा यानी कि डिजास्टर, इराक, ईरान, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सही जवाब की बात करें तो ये जवाब हो जाएगा आपका इटली। अब आइए बात करते हैं, तो इटली की राजधानी हमारी रोम होती है, या किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें रोम की, तो रोम आपको दिखता है टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? टाइबर नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ की यूरो है। राष्ट्रपति यहाँ के गियोर्गिया नोपिलाटानो है और प्रधानमंत्री यहाँ के एनरिको लेटा है। प्रमुख नदियां पो और टाइबर। यहाँ पर पो है जिसे हम इटली की गंगा भी कहते हैं।
याद रखिएगा, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित होता है। वेटिकन सिटी तथा सैन मारिनो इटली के अंतर्गत समाहित दो स्वतंत्र देश हैं, यानी कि देश के अंदर एक देश। वेटिकन संसार का सबसे छोटा देश माना जाता है, ये बात आपको याद रखनी होगी। चल सारे बच्चे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल की तरफ, बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो सकता है। तो SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधि कौन था? SCO के राष्ट्राध्यक्षों की एक परिषद हुई है 21वीं बैठक, उसमें भारत का प्रतिनिधि कौन कर रहा था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो 5 नंबर के सही जवाब की बात हो जाएगी, एस जयशंकर जी ने इसकी अध्यक्षता की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में भाग लिया है। और दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित पहला SCO शिखर सम्मेलन और चौथा शिखर सम्मेलन था, जिसमें भारत ने SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया है। अब बात करें SCO की, तो SCO यहां पर है शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई है 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है इसके व्लादिमिर नोरो। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना है कि बीजिंग किस नदी के किनारे पड़ता है, चाइना की राजधानी बीजिंग किस नदी के किनारे पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस आप हर साल कब मनाते हो? अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस आप हर साल कब मनाते हो? जवाब है, ऑप्शन है आपका सितंबर का तीसरा रविवार, सितंबर का तीसरा शुक्रवार, सितंबर का तीसरा शनिवार, या फिर सितंबर का तीसरा बुधवार। तो अगर हम सही जवाब की बात करें तो सितंबर का तीसरा शनिवार लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस IRPD हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को आप मनाते हो। रेड पांडा नेटवर्क के साथ ब्रायन विलियम्स जी, और रेड पांडा नेटवर्क का मुख्यालय यूजीन ओरिगन में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक के लेखक कौन है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, इस पर टिक लगा लीजिए सारे बच्चे। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, सुधा मूर्ति, अनीता देसाई, या फिर झुंपा लोहड़ी। तो 7 नंबर के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अर्थात झुंपा लोहड़ी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध तथा लेखक झुंपा लोहड़ी अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जो कि एक अनुवादक के रूप में उनके काम को उजागर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी ने कितने दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है? तो 8 नंबर का बहुत अच्छा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर बीजेपी ने कितने दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है? 5 दिवसीय, 10 दिवसीय, 15 दिवसीय, या फिर 20 दिवसीय। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अर्थात 20 दिवसीय कार्यक्रम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी ने 20 दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और CM पद पर रहते हुए 7 अक्टूबर को 20 साल पूरे हो रहे हैं, इसी वजह से ये 20 दिनों तक का कार्यक्रम चलेगा। आप सभी को बताना है बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, सारे बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चले सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नारायण तातू रानी, अनीता शर्मा, भानु प्रताप सिंह वर्मा, या अलका नंगिया अरोड़ा। तो 9 नंबर के सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अलका नंगिया अरोड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा। प्यारे बच्चे, विराट कोहली ने किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? बताइए मेरे दोस्त, विराट कोहली ने किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? T20 फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट, या फिर सभी। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी T20 फॉर्मेट से त्यागपत्र दे दिया है, कप्तानी छोड़ दी है। अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। विराट कोहली ने अपने ऊपर लगातार बढ़ते दबाव की वजह से यह फैसला लिया है। अगर हम बात करें BCCI की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी।
इसका मुख्यालय मुंबई पड़ता है और इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की बात करें तो कैबिनेट ने किस शहर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्या को मंजूरी दे दी है? कैबिनेट ने किस शहर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दे दी है? बताना है आपको पुणे में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, सारे बच्चे बताइए, या फिर कोलकाता। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये काम किया गया है विशाखापट्टनम में। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है। कैबिनेट ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी मंडल में मज्जी वालासा गांव में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए आदिवासी कल्याण विभाग के पक्ष में 15 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। आपको बताना है सारे बच्चों का कि वर्तमान में जनजाति मंत्रालय किसके पास है? वर्तमान में जनजाति मंत्रालय किसके पास है? चलिए सवाल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की स्टार्टिंग की है? निम्नलिखित में से किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की स्टार्टिंग की है? परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय या भारतीय रेलवे? तो 12 नंबर के अगर सही जवाब की बात करें तो ये काम किया है भारतीय रेलवे ने। 13 सितंबर 2021 से प्रशिक्षण स्टार्ट होगा। प्रारंभ में 4 ट्रेडो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिल्टर आदि चीजों की व्यवस्था की गई है। देखिए भारतीय रेलवे ने ये काम स्टार्ट किया है जिसके तहत रिमोट इलाकों के 50,000 बच्चों की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और रेलवे द्वारा दूर के क्षेत्रों में अपनी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कई इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। रेल मंत्री इस समय अश्विनी वैष्णव जी चल रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा जी चल रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जवाब देना है कि सर जी रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ कौन थे? रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे? सवाल नंबर 13 की बात करेंगे। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। सेल्फी विद टेम्पल अभियान ये किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो सही जवाब की बात करें तो ये काम किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। इसमें व्यक्ति को मंदिर टेम्पल के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है और फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। ये बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई है। इसकी राजधानी देहरादून गैरसैंण है। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। गवर्नर अभी हाल ही में चेंज होकर गुरमीत सिंह बन गए हैं, पहले बेबी रानी मौर्या थी, और न्यायाधीश यहाँ के राघवेंद्र सिंह चौहान है। तो उत्तराखंड से इतनी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 14 की बात कर लेते हैं तो किसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? शेफाली जुनेजा, इंदिरा नुई, संजना सिंह या कमला हैरिस? 14 नंबर के अगर हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, शेफाली जुनेजा। आईसीएओ में भारत की प्रतिनिधि रही शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह पहली महिला होंगी जो इसका नेतृत्व करेंगी। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा, शेफाली जुनेजा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। 4 अप्रैल 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष चल रहे हैं डॉक्टर तैयब शेरिफ जी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब जरूर देना है कि मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे पड़ता है? मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे पड़ता है? और बात करेंगे अपने आखिरी सवाल की। 45वें जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? 45वें जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर या बेंगलुरु? तो सही जवाब की अगर हम बात करें इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ। तो लखनऊ में 45वीं जीएसटी बैठक की
की गई है। अब आइए जानकारी ले लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करेंगी, तो ये बात आपको याद रखनी होगी इतना। अब बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर। इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया है, इसीलिए 1 जुलाई को आप जीएसटी डे मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी कितनी दरें होती हैं? तो इसकी 5 दरें होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बेटा? वित्त मंत्री। भारत के किस राज्य ने इसको सबसे पहले लागू किया है? तो असम ने। अगर बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 279 के ए में इसे शामिल किया गया है। इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो विजय केलकर समिति का गठन किया गया था इसके लिए। कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा जीएसटी के लिए? तो 101वां अमेंडमेंट करना पड़ा था 2016 में। ठीक है, तो इतनी जीएसटी के बारे में जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्यारे बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये करंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर इसमें कुछ और भी आपको चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की न्यू करंट अफेयर्स में। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और खूब सारा शेयर करिएगा। जय हिंद।